दोस्तों देखिए इंडिका सीएस है, इसमें जो है ब्लैक स्मोक धुआं दे रही है, तो यहाँ पे इसका एजीआर वाल लगता है, एकदम नीचे लगता है। देखिए यहाँ पे फिट होता है, देखिए यहाँ पे फिटिंग होता है, और यहाँ पे गैस पाइप एक यहाँ पे है इसकी, इसमें लगता है, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फिट होता है, एक यहाँ पे फिट होता है एजीआर वाल। तो वाल इसका जाम है, अब एजीआर वाल को देखिए चेक करने का एकदम आसान तरीका है, ये मुंह में पाइप है, किसको मुंह से खींचेंगे वाल इधर खुलेगा, देखिए अब खींचेंगे, देखिए काम कर रहा है, देख रहे हैं पाइप को मुंह से खींचने के बाद जो है ये काम कर रहा है, देख रहे हैं ये जो है डीजल को और एयर को दोनों को बराबर बराबर मिक्स करता है। जब मिक्स नहीं करेगा सही तो दोस्तों गाड़ी ब्लैक स्मोक धुआं देगी, काला धुआं। इसके लिए इसको खोला गया है, पिकअप में भी प्रॉब्लम रहेगा, इसको अब साफ करके लगाएंगे, गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी एकदम। दोस्तों ये देखिए एजीआर वाल जो है फिट हो चुका है, मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा अंदर होता है, देखिए ये 10 नंबर का, देखिए ये नट बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सामने से दिखा रहे हैं, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अंदर है और एक ब्रैकेट पे नीचे है, दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए एक ये है, ये यहाँ पे फिट हो चुका है, एक यहाँ पे है, एक उस साइड में इधर है, ये देखिए ठीक है इसमें, और ऊपर ये पाइप लगेगा, इसमें ये पाइप काट के छोटा करके इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसका जो इधर कनेक्शन यहाँ पे लगेगा, ये देखिए हाई स्पीड लगी हुई है, इसमें लगा हुआ है कनेक्शन जो है, इसको भी चेक करना पड़ेगा हमको, सप्लाई इसमें आ रहा है कि नहीं आएगा, वाल नई सप्लाई आएगा तो वाल खुलेगा नहीं, तो इसमें सप्लाई चेक करेंगे हम अभी स्टार्ट करने के बाद, बाकी तो सब सही है। एजीआर वाल लग गया है, गाड़ी चालू हो गई है, देखिए फर्स्ट क्लास चल रही है, पिकअप भी बढ़िया है इसका, एक नंबर का हो गया है। गाड़ी रेस करो भाई, थोड़ा पीछे देख लिया जाए साइलेंसर क्या कह रहा है इसका, देखिए दोस्तों अब देखिए धुआं थोड़ा भी नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट है, धुआं नहीं आ रहा है, अब गाड़ी सही हो गया, नहीं तो एजीआर वाल जाम था, इतना धुआं दे रही थी गाड़ी तो समझ में नहीं आ रहा, बस करो बाबू जाने दो, इंजन भी देखिए एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एयर फिल्टर अभी लगा नहीं है।